भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से बाइलैटरल सीरीज नहीं खेली जा रही, तो हमें पता ही है। और दोनों ही टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स या एशिया कप्स जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ही एक दूसरे के सामने खेलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम बार 2012-2013 में बाइलैटरल सीरीज खेली गई थी। भारत और पाकिस्तान की टीमें आखिरी बार पिछले साल भारत में ही खेले गए वनडे विश्व कप के दौरान भिड़ी थी, जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। लेट्स गो। दोनों टीमों के बीच अगले महीने न्यूयॉर्क में T20 विश्व कप के दौरान ग्रुप स्टेज का मैच खेला जाएगा। ठीक है, यहां तक तो पता है आपको। लेकिन अब पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसके लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इनफैक्ट BCCI नहीं जाने दे रही, शायद इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, शायद पॉलिटिक्स की वजह से। तो क्या इसका मतलब यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार इंडिया नहीं खेलेगा क्योंकि वेन्यू है पाकिस्तान? हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट डिप्लोमेसी की। आइए जानते हैं कि आखिर इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से क्रिकेट को सफर करना पड़ा है। वो कौन से इंस्टेंसेस थे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचेस रद्द करने पड़े, दौरे रद्द करने पड़े, दोनों ही टीमों को मना करना पड़ा मैच खेलने से? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से पहले कई पॉइंटर्स पर चर्चा की जाती है, जिसमें दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल क्लाइमेट और ओवरऑल सिक्योरिटी पैरामीटर्स भी शामिल हैं। हिस्ट्री को देखते हुए भारत का टूर्नामेंट के लिए पड़ोसी देश की यात्रा करने पर कोई भी फैसला सावधानी से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करने के बाद ही लिया जाता है और लिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, जिन्होंने ANI के हवाले से कहा, जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो हम वही करेंगे जो भारत सरकार हमसे करने को कहेगी। हम तभी अपनी टीम भेजेंगे जब सरकार हमें इसकी इजाजत देगी। हम भारत सरकार के निर्णय के साथ ही चलेंगे। इतिहास में पहले भी अक्सर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को पॉलिटिक्स की वजह से रुकना पड़ा है या रोक दिया गया है। साल था 1984 जब इंडिया का पाकिस्तान का दौरा बीच में ही रद्द करना पड़ा क्योंकि भारत की तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर 1999 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के हिस्टोरिक पाकिस्तान दौरे के बाद पाकिस्तानी टीम ने इंडिया का टूर किया फॉर अ सीरीज ऑफ टेस्ट मैचेस एंड वनडे इंटरनेशनल्स। उसी साल जब करगिल युद्ध हुआ तो दोनों देशों के बीच बढ़ते टेंशन को मद्देनजर रखते हुए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया। फिर 2003 में वाजपेयी जी के पीस इनिशिएटिव की वजह से 15 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया भारत ने। उसके बाद 2005 एंड 2006 में बायलैटरल सीरीज खेली गई, लेकिन फिर आया साल 2008, मुंबई टेरर अटैक्स। अटैक के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट इंडिया के 2009 में प्लान्ड टूर ऑफ पाकिस्तान प्लस फ्यूचर एंगेजमेंट्स इन पाकिस्तान को इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद से BCCI ने PCB के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो गया। फिर आया साल 2023, वनडे विश्व कप से पहले एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारतीय टीम ने इसके लिए पड़ोसी देश की यात्रा करने से मना कर दिया, जिसके बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत किया गया। भारत के सभी मैचेस श्रीलंका में हुए, जबकि अन्य टीमों के कुछ मैचेस पाकिस्तान में कराए गए और कुछ श्रीलंका में। हालांकि पाकिस्तान ने वनडे विश्व कप के लिए भारत का दौरा किया था, ऑल्दो पहले लग रहा था कि नहीं आएंगे शायद। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने धमकी दी थी कि भारत के एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आने की वजह से वो भारत का दौरा नहीं करेंगे, लेकिन ग्लोबल प्रेशर के चलते बोर्ड को मानना ही पड़ा। ऑल्सो और किसी बोर्ड ने सपोर्ट ही नहीं किया PCB के इस फैसले को। अब बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो लास्ट 2017 में भारत को फाइनल में हराकर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया था। कोई बात नहीं, वो 2017 था, ये 2024 है। और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, होने ही वाला है, ऑल्दो अभी ये फिगर आउट नहीं हुआ है कि इंडिया ट्रैवल करेगा या नहीं, या कोई थर्ड न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड होगा, इतनी बात तो तय है कि हम बदले के लिए तैयार हैं। यस, वी टीम इंडिया
वी आर रेडी, हम इस बार टूर्नामेंट खेलेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे, अपने नाम करेंगे, यही उम्मीद मैं कर रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि राजीव शुक्ला जी ने बताया कि बॉस गवर्नमेंट अलाउ करती है, पॉलिटिकल क्लाइमेट अगर फेवरेबल होता है तभी यह मुमकिन है, क्योंकि क्रिकेट और डिप्लोमेसी को सैडली आप इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आप डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दो देश आपस में दोस्त ना हो और क्रिकेट खेलें। क्रिकेट तभी पॉसिबल है जब दोस्ती हो दोनों देशों के बीच, और क्रिकेट होगा तो दोस्ती होगी, दोस्ती नहीं होगी तो क्रिकेट नहीं होगा, सिंपल सा पॉइंट है। सो आई होप कि पाकिस्तान थोड़ा सा वेल बिहेव करे एंड अपने यहाँ थोड़े जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको और पुख्ता करे, क्योंकि आपको याद होगा श्रीलंका का वो टूर, श्रीलंका टीम पे हमला तो हुआ था और उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की छवि, या यूं कहूं पीसीबी की छवि एकदम ही धूमिल हो गई है। तो वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि एक बार तो इंडिया आए पाकिस्तान, मैचेस हों, थोड़ा पैसा ऐसा बना ले, क्योंकि पीसीबी पे पैसा तो नहीं। बट एनीवे, मैं तो बस स्पेक्यूलेट कर सकता हूं, मुझे तो लगता है अभी दिल्ली बहुत दूर है एंड अभी भी लेट्स नॉट गेट टू एनी कंक्लूजन्स येट, इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, एक बार इलेक्शंस हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद होपफुली चीजें बेहतर होंगी, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, प्रोवाइडेड आर काउंटर पार्ट्स आर नेबर्स बिहेव देमसेल्व्स एंड यू नो व्हाट आई मीन, राइट। बाकी आप क्या सोचते हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको काम का लगा, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अनटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।